हेलो, हम कंटिन्यू करते हैं जीके को। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना साइंस डोमेन। साइंस डोमेन सर, साइंस जीके में भी आ गई, हर जगह आएगी। तो कह रहा है साइंस इज टिपिकली डिवाइडेड टू थ्री मेजर ब्रांच, बता दो। तो वो कह रहा है बेसिकली वो क्या क्या है, तीन ब्रांचेस, या तो नेचुरल साइंसेस जो नेचर के बारे में बात करें, या सोशल साइंस जो सोसाइटी के बारे में, सोशल ह्यूमंस के बारे में बात करें, या फॉर्मल साइंस। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं सर, लेकिन हम तो कुछ और ही पढ़ते हैं। आप जो पढ़ते हो नेचुरल साइंस ही पढ़ते हो। नेचुरल साइंस के अंदर तीन चीज़ आती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये किसके अंदर आती है, नेचुरल साइंस के अंदर आती हैं। देखो तो लिखा भी हुआ है, हियर वी आर गोइंग टू नो अबाउट द टर्म्स यूज्ड इन द नेचुरल साइंसेज दैट डील्स विद बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, लिखा भी हुआ है, पढ़ते हैं सर। कुछ टर्म्स तो आपको पता होने चाहिए, कुछ टर्म्स आपको नहीं पता होंगे, वो मैं आपको सिखाएंगे। डेथ इज द मेथड ऑफ क्लीनिंग पॉल्यूटेंट्स इन द एनवायरमेंट बाय बैक्टीरियल स्ट्रेन कैपेबल ऑफ एक्यूमुलेटिंग इन हैवी मेटल्स। बोलो, कह रहे हैं ऐसा क्या तरीका है, ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जितने पॉल्यूटेंट्स हैं उनको क्लीन कर सकें, क्लीन कर सकें। ठीक है, वो भी कैसे, या तो बैक्टीरियल स्ट्रेन को यूज़ करें। ठीक है, बैक्टीरियल स्ट्रेन सर, बैक्टीरियल स्ट्रेन को होते हैं, बैक्टीरियल को डब्बे होते हैं, डब्बे की तरह होते हैं बेसिकली, जो लायक हो क्या, एक्यूमुलेटिंग इन हैवी मेटल्स। और उनके अंदर हम बैक्टीरिया को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, बायो मेडिटेशन, बायो मेडिएशन, बायो मेडिएशन। ठीक है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन यूजिंग डीएनए स्ट्रैंड। वो कह रहे हैं प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का तरीके की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसक्रिप्शन। दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मेनी आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, यानी कॉपीज निकालना। तो कॉपीज निकालने को हम एक और वर्ड बोलते हैं क्लोनिंग। क्लोन मतलब होता है कॉपी, और प्रोसेस क्या हो जाएगी, क्लोनिंग। ठीक है, बहुत ईजी है। डेट इज अ पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू ग्रो इन टू अ कम्प्लीट प्लांट। सब कौन सी एबिलिटी करते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब जो अभी है या बाद में है, अभी नहीं करेगा, सिर्फ बाद में करेगा। प्लांट ग्रो तुरंत नहीं होता, वो बाद में होता है। तो बाद तो इसके अंदर भी एबिलिटी है, इसके अंदर अभी एबिलिटी है, लेकिन कौन सी एबिलिटी, पोटेंशियल। पोटेंशियल अभी एनर्जी लेकिन बाद में काम करने वाली है, एक ऐसी एनर्जी जिसको हम बाद में करें, जिसकी वजह से हम काम बाद में करेंगे। तो इस तरह की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, टेटी पोटेंसी। ठीक है, आप ही ने लिखा हुआ है, मेरे को तो याद नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ बस, मैं क्या है यहाँ पे, याद तो मुझे भी नहीं है सारे। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना, अगर आपने फिर सही किए हैं तो ये सही है, अदरवाइज मुझे, मैंने चेक नहीं किए हैं। ठीक है, ये अपनी जीके की आंसर शीट से मैच कर लेना। डेस आर केमिकल्स डेट आर केमिकल डेट हेल्प एंट्स टू फाइंड देयर पाथ फ्रॉम कॉलोनी टू दी सोर्स ऑफ फूड एंड बैग। वो कह रहे हैं एक ऐसे केमिकल का नाम बताओ, एक ऐसे एनिमल का नाम बताओ जो क्या करता है, एंट्स की हेल्प करता है उनको रास्ता ढूंढने में, किस चीज़ के लिए, कि वो खाना भी ले आए, वापस खाना ले चले भी जाए, वापस आ भी जाए। उसको लिखा हुआ है फेरोमोन्स, इसको क्या बोलते हैं, फेरोमोन्स, है ना। इट हैज द एब्नॉर्मल लाइफ, एब्नॉर्मल मतलब नॉर्मल नहीं है, ये सडनली एकदम से हो रही है, समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल इज कॉल्ड एब्नॉर्मल। तो वो कह रहा है ये नॉर्मल राइज नहीं है, तो एब्नॉर्मल राइज है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, हमारे आर्टेरियल ब्लड प्रेशर में एकदम से राइज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। यानी हमारा एकदम ब्लड प्रेशर हाई हो गया ना, वो भी एबनॉर्मली, नॉर्मल जीन का नहीं, एकदम एबनॉर्मली, तो उसको होता है हाइपर टेंशन, जब टेंशन ज़्यादा हो जाए। ठीक है, बड़ ध्यान रखने वाले हैं यहाँ पे, हाइपर है। ठीक है, एंड इज द एबनॉर्मल डिक्रीज, सर एबनॉर्मल डिक्रीज हो जाए तो हाइपो टेंशन, हाइपो यहाँ पर है, वहाँ पर पो है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज द मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन से विच शोज वेदर समथिंग इज एसिड और बेस। वो कह रहा है बेसिकली पीएच की है, पीएच एक यूनिट होती है, पीएच एक तरीका होता है उसकी डेफिनेशन दी हुई,
तो कह रहे पीएस मान क्या है, पीएस फिजिकल होता है एक ऐसा तरीका होता है जिसमें ये बता पाए कि वाटर में कि मतलब जो बताता है किसी एसिड में मतलब जो जो हाइड्रोजन आयन्स का क्या बताता है कंसंट्रेशन ज्यादा, जो बताते हैं कि हाइड्रोजन ज्यादा है कम है, हाइड्रोजन ज्यादा है कम है, तो किस चीज में, एक ऐसी चीज में जो शो करती है तो एसिड या बेस हो, यानी सिंपल सा ये समझो इसको, ये बेसिकली पीएच मेजर, पीएच बेसिकली ये बताता है हमें कि किसी भी एसिड में या किसी भी बेस में कितना हाइड्रोजन है, बस इतना। डैश इज अ वे ऑफ मेजरिंग साउंड, मैंने डीबी डीबी के फुल फॉर्म पूछा बेसिकली इन शॉर्ट फॉर्म है ना, यानी शॉर्ट फॉर्म में तो डीबी बोलते हैं, फुल फॉर्म पता नहीं। साउंड्स ऑफ 80 to 90 dB और मोर कैन डैमेज हियरिंग, और ये बता रहे कि कितने mmDB की वॉइस सुननी चाहिए हमें, तो 80 और 90 से लेके dB का काम है सुननी चाहिए, इससे ज़्यादा अगर हमें सुनी मतलब इतनी भी सुनी तो भी हमें डीबी कर देगा, इससे काम हमें सुननी चाहिए। तो डीबी को फॉर्म का डेसीबल, क्या नाम है इसका, डेसीबल, डेसीबल है ना। डैश इज द यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी यानी वो कह रहा है लाइट को जब मीजर करेंगे, लाइट की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो उसकी जो यूनिट, वो जो आंसर आएगा वो किस यूनिट में आएगा, तो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे कैंडेला, ठीक है। अब फ्लैश ऑफ लाइटनिंग गिव्स आउट, जब हम लाइट को फ्लैश करते हैं वो कितनी लाइट देती है, गिव्स आउट 80 लाख 80 मिलियन 80 मिलियन ऑफ दिस यूनिट, वो कह एक बार जब फ्लैश करें तो इतनी यूनिट हमें लाइट मिलती है, इतनी यूनिट हमें लाइट मिलती है। डैश इज अ हॉलो कार्टिलेजियस, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर विच इज मोर प्रोमिनेंट इन द मेल इट इज पॉपुलर कोल्ड कॉल्ड एडम्स एप्पल, वो कह रहा है एक हमारे शरीर के अंदर एक खोखला सा एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, विच इज मोर परमानेंट, यानी सबसे ज्यादा वो किसके अंदर होता है, सबसे ज्यादा वो किसके अंदर होता है, मेल्स के अंदर, यानी मेल्स के अंदर ही होता है, ठीक है, जिसको हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। सर रियल में क्या बोलते हैं बताओ, वॉइस बॉक्स, उसको क्या बोलते हैं रियल में, वॉइस बॉक्स, ठीक है, इसको सर इस होलो स्ट्रक्चर को ऐसी को या फिर बोल सकते इस एडम एप्पल को। डेस्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ओहो सर बायोलॉजी को अंदर चला गया ये, यानी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी पूछा ना तो बायोलॉजी को अंदर चला गया। सर ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो क्या करती है, कंसर्न विद स्टडी ऑफ, जो क्या करती है, स्टडी करती है जीन्स को, जेनेटिक वेरिएशंस को, हेरिडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये ध्यान रखो एस ब्रांच को बोला था जेनेटिक्स, इसको ब्रांच को क्या बोला था, जेनेटिक्स, ठीक है। डैश इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कॉटन वेराइटी विच प्रोड्यूस एन इंसेक्टिसाइड टू वॉलवर्म, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट मतलब रुकने वाला, पेस्ट मतलब एक तरह का केमिकल होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है जो बनाई तो जेनेटिकली गई है लेकिन बाद में उसको मॉडिफाई कर दिया गया, ठीक है, इस पेस्ट को बाद में मॉडिफाई कर दिया गया किससे रोकने के लिए ताकि प्रॉब्लम ना आए। और ये क्या है, प्लांट कॉटन की, और ये प्लांट कॉटन की वेरायटी है, एक तरह की कॉटन प्लांट की क्या वेरायटी है, विच प्रोड्यूस्ड, विच प्रोड्यूस एन इंसेक्टिसाइड, जो क्या करता है एक वॉल्व वर्म के अंदर इंसेक्टिसाइड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिट कॉटन, इसको बिट ही नहीं बोलेंगे, नहीं इसको बिट बोलेंगे, क्या बोलते हैं बोलेंगे, बिट, बिट कॉटन। यहाँ पे भी जो भी साइंस का, पहले भी साइंस का था, यहाँ पर थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूट्रिशन इज द साइंस दैट डील्स विद द ऑल वेरियस फैक्टर्स आर फूड इज कंपोज्ड ऑफ एंड टेल्स अस द टेल्स द प्रॉपर वे ऑफ नरिशमेंट, वो कह रहे हैं न्यूट्रिशन बहुत साइंस है, न्यूट्रिशन भी एक साइंस का ब्रांच है, हाँ तो वो कह रहे हैं न्यूट्रिशन एक बहुत साइंस का ब्रांच है जो क्या करता है, जो डील करता है हर तरह के फैक्टर्स, हर तरह के उन चीज़ों के बारे में जिससे हमारा खाना बना है, और हमें बताता है सही तरीका प्रॉपर नरिशमेंट, और हमें सही तरीका नरिशमेंट का बताता है। द एवरेज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल डिपेंड ऑन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, हाइट, वेट, डिग्री ऑफ एक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ सब ग्रोथ, वो कह रही है जो न्यूट्रिशन भी जो होता है, न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट होती है ये भी परसेंट टू परसेंट मैटर करती है, ये और भी चीज़ों पर मैटर करती है, परसेंट टू परसेंट तो ठीक है, ये और चीज़ों पर भी डिपेंड करती है, जैसे एज टू एज, अगर आपकी अभी एज है तो आपको भी आपके भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग होगी, 10 साल बाद आपके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, हाइट किसी का ज़्यादा तो उसको ज़्यादा चाहिए होगा, किसी कम है तो उसको कम चाहिए होगा, डिग्री ऑफ एक्टिविटी वो कितना काम करता है, जो काम ज़्यादा करता है उसको ज़्यादा चाहिए होगा, जो कम काम करता है उसको कम चाहिए होगा, रेट ऑफ ग्रोथ, अगर ग्रोथ ज़्यादा है तो ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, ग्रोथ कम है तो कम से भी कम चल जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं अभी कम एक्रॉस वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन इन आवर डेली लाइफ व्हेन वी परचेज सर्टेन फूड आइटम्स एंड सी देयर लेवल्स, वो कह रहे हैं
जब हम कोई सामान खरीदते हैं उनका लेवल देखते हैं, उसका ना बहुत सारे आइटम लगे होते हैं, 14 ग्राम पर 1 कैलोरी, 10 किलो कैलोरी, लेबलिंग होती है ना, तो बहुत सारे न्यूट्रिशंस के नाम देखते हैं। आप चलो आज सब उनके सबों के क्या जानते हैं, मीनिंग जानते हैं, उनके सिग्निफिकेंस जानते हैं। तो पहला वर्ड है ना कैलोरीज की, कैलोरीज क्या होती है, साइंस से पढ़ चुके हैं। इट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ये क्या है एनर्जी की, क्या है, एक तो ये यूनिट है, ये तो मीनिंग हुई, तो क्या हो गया मिनट, ये मीनिंग हो गया। तो कहते हैं नंबर ऑफ कैलोरीज लिस्टेड ऑन अ फूड इज द लेवल टेल्स अस हाउ मेनी कैलोरीज आर इन वन सर्विंग। वो कह रहा है कि सर उसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी डब्बे के बाहर लिखा हुआ है, आपको खाने का चीज लेके आए और उसके बॉक्स के बाहर लिखा हुआ है 10 कैलोरी, तो 10 कैलोरी का मतलब ये नहीं कि पूरे डब्बे खा पूरा डब्बा खाओगे तब आपको 10 कैलोरीज आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, नहीं, उसका मतलब है आप उसमें से एक सर्विंग लोगे, और जब आप उसमें से एक स्पून लोगे ना, एक स्पून, तो एक स्पून में कितनी कैलोरीज निकलेंगी। तो वो कह रहा है वन सर्विंग, वन सर्विंग मतलब एक बार जब आप खाओगे उसको एक बार, तो फर्स्ट टाइम जब आप उसमें खाओगे नहीं, हर बार वन वन टाइम करके आप जितनी बार खाओगे हर बार आपको उतनी उतनी कैलोरीज मिलेंगी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अ न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन पास्ता ब्रेड फ्रूट, किसमें होता है, पास्ता में होता है, ब्रेड में होता है, फ्रूट में होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हैव 4 कैलोरीज अ ग्राम, मतलब कह रहा है कि अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, तो 1 ग्राम के अंदर ही 4 क्या होते हैं कैलोरीज होते हैं, तो 1 ग्राम के अंदर क्या होते हैं, 4 कैलोरीज होते हैं। फिर मिलता कहाँ पर है ये, मतलब किन किन चीज़ों के अंदर मिलता, तो पास्ता है, ब्रेड है, बहुत सारे फ्रूट्स है उनमें मिलता है, सबसे ज़्यादा आलू में मिलता है, राइस में मिलता है, कोलेस्ट्रॉल और इससे रिलेटेड कुछ है क्या ये पता नहीं, देखते हैं। इट इज़ वाइटल फॉर बिल्डिंग हारमोन्स, ओहो ये किसके लिए जरूरी है, हारमोन्स को बिल्डअप आपको करना है तो उनके लिए बहुत जरूरी है, नेसेसरी, वाइटल मतलब नेसेसरी। एंड सेल मेम्ब्रेन्स, और अगर आपको सेल मेम्ब्रेन्स को भी ग्रो करना है तो भी बहुत जरूरी है। बट कैन बी अ कॉज ऑफ हार्ट डिजीज, बट इसकी वजह से ना कभी कभी हार्ट डिजीज हो जाती है, व्हेन गेट डिपॉजिटेड इन ब्लड वेसल्स, जब भी कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, तो फिर हार्ट डिजीज हो सकती है। तो आपको क्या हो सकती है, हार्ट की डिजीज हो सकती है। इट इज लिस्टेड अंडर द फैट इंफॉर्मेशन ऑन न्यूट्रिशन लेवल, फिर कहाँ पर लिखा होता है ये, उसके लेवल के अंदर, तो न्यूट्रिशन लेवल के अंदर एक फैट वाला चार्ट ना होगा, फैट वाला, तो फैट वाली हेडिंग के अंदर ये बेसिकली लिखा होगा। ठीक है, आप देख सकते हो कोई भी घर में बॉक्स उठाकर, इसे लिखी होती है, नहीं लिखी होती है। डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर द पार्ट ऑफ प्लांट फूड्स दैट वी कैन नॉट डाइजेस्ट, डाइटरी फाइबर मतलब क्या, एक ऐसा प्लांट का फूड, एक ऐसा प्लांट का मतलब खाना, प्लांट फूड मतलब क्या, ऐसा मतलब प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो उसका एक ऐसा पार्ट, उसका एक ऐसा पार्ट जो हम क्या नहीं कर सकते, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर। सर और क्या काम होता है इसका, हेल्प इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल, लेकिन सर इससे डाइजेस्ट तो नहीं कर सकते, बल्कि क्या करते हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल कम कर देता है, बहुत अच्छी बात है। उससे कहाँ कहाँ मिलता है ये, होल ग्रेन से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है, नट से मिलता है, सीड्स में ही मिलता है। ठीक है, एन रिसिड्यूअल फूड्स, एन रिसिड्यूअल फूड्स दिस फूड्स हैव न्यूट्रिएंट्स एडेड टू देम टू कंपनसेट द लॉस न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ फूड, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ फूड। वो कह रहा है ये कोई न्यूट्रिशन वैसा फूड न्यूट्रिशन नहीं जो आपको बाहर से मिलता है, ये बेसिकली क्या होता है, जब खाना खा जब आप खाना खाते हो, आपका खाना आपके शरीर के अंदर भी क्या प्रोसेस होता है, अंदर क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस होने के बाद प्रोसेस होने के दौरान ही कुछ क्या होता है डेवलप होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं, जो कि क्या करता है, कंपनसेट करता है, हिसाब बराबर करता है किस चीज़ का, लॉस्ट न्यूट्रिशन का। नहीं नहीं बेसिकली कुछ और बोल रहा है, उल्टा बोल दिया मैंने। बेसिकली एंडिस्ट फूड तो वो फूड होते हैं जिनके पास जिनके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उस न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं, जो हम खाना बनाते टाइम जो हमारी हमारे जो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं ना, खाना पचाते टाइम, खाने को डाइजेस्ट करते हैं, खाने को प्रोसेस करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे कम हो जाते हैं, तो उस कमी को पूरा करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स ले जाते हैं, जो खाना खाया जाता है उसको हम बोलते हैं एंडिस्ट फूड, एंडिस्ट फूड। फोर्टिफाइड फूड द फूड टू विच एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन ए बी डी फॉलिक एसिड आयोडीन एंड आयरन हैव बीन एडेड टू डिक्रीज न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। वो कह रहा है
फोर्टिफाइड फूड्स वो फूड होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी को कम करने के लिए खाए जाते हैं, बेसिकली यानी न्यूट्रिएंट्स को कम ना होने देने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को कम ना होने देने के लिए खाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए बी डी फॉलिक एसिड आयोडीन एंड आयरन, जो जिन खानों में ये चीज़ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फोर्टिफाइड फूड्स बोलते हैं। मोनाउन सैचुरेटेड, मोनाउन सैचुरेटेड फैट, अरे सैचुरेटेड आ गया यहाँ पे, अब जानते हो सैचुरेटेड का मीनिंग, नहीं जानते ना तो छोड़ो उसको भी, तो ये जानो मोनाउन सैचुरेटेड का मीनिंग, मोनाउन सैचुरेटेड फैट का मतलब क्या होता है, अ हेल्दी फैट। तो कैसा फैट है ये, हेल्दी, अनहेल्दी नहीं है, हेल्दी है। अ हेल्दी फैट फाउंड इन फूड सच एज नट्स, एक हेल्दी फैट है, फैट है जो किसके अंदर मिलता है, बेसिकली नट्स के अंदर, ऑलिव ऑयल के अंदर और एवोकेडोज के अंदर, ठीक है। पॉली अनसेचुरेटेड फैट एक ऐसा फैट है जो किसके अंदर मिलता है, वॉलनट्स के अंदर, सैलमन के अंदर और सोयाबीन ऑयल के अंदर। पोटेशियम, इट इज फाउंड इन बनानास नट्स पोटेटोज डेरी एंड अदर फूड, डेरी मतलब डेरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं उसमें पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम हेल्प्स मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर, पोटेशियम क्या करता है आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है एंड कीप्स योर हार्ट एंड किडनीज वर्किंग नॉर्मली, और आपके हार्ट किडनी और है ना आपके हार्ट और किडनी को क्या करता है, रेस्ट रिजन की प्रॉपर वर्किंग कराता है, ठीक है। ओमेगा थ्री फैट्स, ओमेगा थ्री फैट्स क्या होता है, वो क्या दे आर एसेंशियल फॉर हेल्थ, एक ऐसी चीज सब्सटेंस है जो एसेंशियल है फॉर योर हेल्थ। दे आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ ओमेगा थ्री, तीन तरह के ओमेगा थ्री फैट्स होते हैं, ALA मोस्टली फाउंड इन प्लांट ऑयल, EPA एंड DHA आर फाउंड इन फैटी फिश, ठीक है, फिश ऑयल, ग्रास फेड मीट, पॉप एंड पास्टर्ड एग्स, काम की नहीं। तो वो कह रहा है ये ALA है, ALA ये तो मिलता है इन प्लांट ऑयल्स, ऐसे प्लांट के पास ऑयल हो, क्योंकि EPA और DHA हैं ये कहाँ मिलते हैं, फैटी फिश हो या फिश ऑयल हो, फिश हो फिश ऑयल हो, ग्रास फेड मीट हो या पास्टर्ड एग्स हो या फिर एग्स हो, उनमें ही मिलता है, ठीक है। यही था और कुछ नहीं था इसमें।